21 के सायंकाल रविवार के 6:09 तक लड़के का लोकेशन बाणगंगा दिखाई दिया और उसका अपहरण किया गया, अपहरण करके हत्या की गई। इसकी सूचना मैंने दूसरे दिन 22 तारीख को प्रार्थना पत्र द्वारा तहरीर दिया कि बच्चे का अपहरण हो चुका है और आप शीघ्र बरामदगी के लिए प्रयास करें, लेकिन पुलिस की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से रही जिसका परिणाम ये हुआ कि आज बच्चे की लाश देखनी पड़ रही है। शासन प्रशासन का आपका कितना सहयोग मिला? मैं समझता हूँ कि जितना हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे ग्रामीणों ने हजार की संख्या में बाणगंगा बैराज से लेकर नदियों तक का खाक छाना, पुलिस से इसमें उसका कोई सहयोग नहीं रहा। वो अपने स्तर से खानापूर्ति करके वहीं अभियुक्तों को जिनको मतलब आशंका के आधार पर बैठाई थी सामान्य प्रक्रिया के तहत पूछताछ कर रही थी जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अभी तक ये कुछ राज उलवा नहीं सके कि बच्चे का अपहरण हुआ, कि हत्या हुई, कैसे हुई। आज जब मैंने ही स्वयं लाश पकड़ा, हम स्वयं ढूंढने आए थे, पहले लाश को हमने ही देखा और इसके बाद तब पुलिस को सूचना दी गई, तब पुलिस आकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। अब अगर हत्यारा शीघ्र नहीं पकड़ा गया तो निश्चित रूप से धरना पर मैं अमर अनशन पे बैठूंगा और ये कल तक का मोहलत है पुलिस को, कल तक राज बुलवा देती है, ठीक है, नहीं परसों मैं आज ही घोषणा करता हूँ अपने सभी मित्रों के साथ और रोड जाम करूँगा और वहीं बैठूंगा धरने पर। मुझे हत्यारा चाहिए, हत्यारा किसी भी कीमत पे बचता है तो इसकी ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, ये विद्यालय का छात्र रहा है, BSc द्वितीय वर्ष का, और उस विद्यालय से ही ये तार जुड़ा है, विद्यालय के लोगों ने ही ये हत्या की है। विद्यालय चाहे वो छात्र संघ का चुनाव को लेकर ले हो या पढ़ाई, मतलब जो भी हो, ये विद्यालय से ही तार जुड़ा है, विद्यालय के रंजिश में ही हत्या की गई है बच्चे की। तक कल का टाइम है, कल अगर परिणाम, आज 10वां दिन है 9वां दिन है, कल 10 दिन में यदि हत्या अभियुक्त गिरफ्तार नहीं होता है तो परसों हम आत्मदाह के लिए भी बस होंगे। लड़के मनीष शुक्ला का मामा हूँ।